तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2020 में YouTube पे प्रॉपरली तरीके से वीडियो अपलोड करने का तरीका। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको प्रॉपरली तरीके से बताऊंगा कि आपको टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, टैग्स कैसे लगाना है, हैशटैग्स वगैरह कैसे लगाना है, थंबनेल कैसे लगाना है, एंड स्क्रीन कैसे लगानी है, और आई कार्ड जो दोस्तों होता है आई बटन वाला, उसमें कैसे लिंक देना है। तो मैं इस वीडियो में सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। तो दोस्तों जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट फाइल्स, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जोन से भी आपने वीडियो एडिटिंग वगैरह करके रखी हुई है उस पर आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। तो दोस्तों जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप इसको जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने चैनल को वेरीफाई करा सकते हैं। तो बात आती है कि अपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टाइटल रिक्वायर्ड। तो टाइटल दोस्तों, टाइटल का मतलब है टॉपिक, आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको टॉपिक डाल देना है, जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक डाल के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। तो ये दोस्तों हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन है उसको आपको पहले से ही डिफ़ॉल्ट में जाके वो डालना होगा। मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे डिफ़ॉल्ट में अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, जो कि आपको इससे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दोगे तो आपको बार बार अपना डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, यूट्यूब चैनल है, दूसरा चैनल जो है उसके बाद इंस्टाग्राम है, माई एप्लीकेशन है जो मैंने खुद से बनाई है, और मेरी दोस्तों एक वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे उसका लिंक भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो जैसे कि थंबनेल। थंबनेल दोस्तों ये होता है, जैसे कि आप किसी वीडियो को देखते हो तो स्क्रॉल करके जैसे ही आप सबसे पहला जो फ़ोटो देखते हो उसको बोलते हैं दोस्तों थंबनेल। तो थंबनेल हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने थंबनेल पहले ही बना के रखा हुआ था। इसके लिए मैं दोस्तों अलग से वीडियो बनाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है दोस्तों प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। बाकी मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर लिए हैं पहले से ही। तो इस पर आपको कोई सी भी प्लेलिस्ट पे जिस तरह का आपका टॉपिक है, जिस तरह का भी आपका टॉपिक है, उस प्लेलिस्ट में आपको क्लिक कर लेना। जैसे कि मैं नॉलेज वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर आपको नॉलेज वीडियो पे करके डन कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों कंपलसरी है, आपने कोपा के बारे में सुना होगा। तो सुना है तो इसको ऑप्शन को दोस्तों ज़रूर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, येस और नो का। येस का मतलब है इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब जो अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बच्चों के लिए है, और नो का मतलब है दोस्तों इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए नहीं बनी है। तो इसको आप ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टैग्स दोस्तों, टैग्स वगैरह आ जाते हैं। टैग्स मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर आपको अपनी वीडियो को सर्च रिजल्ट में लाना है, जैसे कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, तो आपको यहाँ पे वही सारे टैग्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपकी वीडियो भी रैंक पर आए और आपकी वीडियो भी दोस्तों चले ज़्यादा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ टैग्स डाल देता हूँ, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल क्रिएट, इस तरह के दोस्तों आप बहुत सारे टैग्स लगा सकते हो, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इस तरह से आप दोस्तों काफ़ी सारे टैग्स लगा सकते हो।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी से और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी आप यहाँ पे हर बार सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोसेसिंग आप देख सकते हो कि 0% है। जैसे ही दोस्तों प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ी देर में दोस्तों 100% होने वाला है, फिर मैं आपको अगले प्रोसेस में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाली है 100%, यहाँ पे 95 हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में ये 100% भी हो जाएगी। जैसे कि देखिए दोस्तों ये प्रोसेसिंग HD वर्जन HD कंप्लीट। तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के ओपन हो जाएगा, फिर आपको एंड स्क्रीन लगानी है। तो एंड स्क्रीन दोस्तों लगाने के लिए आपको कोई सी भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका ये ऑटोमेटिकली वो लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ये आपका सेव हो चुका। फिर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कार्ड, जिसको काफ़ी लोग बोलते हैं आई बटन। तो यहाँ पे यूट्यूब खुलेगा, फिर आपको कोई से भी ब्राउज़र में चल जाना है, फिर एक नया पेज खुल के आएगा, फिर यहाँ पे आप बीच बीच में कार्ड्स वगैरह या आई बटन लगा सकते हैं अपनी वीडियोस के या प्रमोशन वगैरह के या किसी और चैनल के लगा सकते हो। चाहो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हो, क्विज वगैरह कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मैंने सारे कार्ड्स वगैरह लगा दिए हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, इसमें जाना है आपको, क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आप उसी पे दोबारा आ जाओगे, फिर आपको करना है सिंपली नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आपके सामने सारी जो प्रोसेसिंग है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त है दोस्तों ये वीडियो पब्लिश करने का। तो जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे तो ये वीडियो दोस्तों हर जगह फैल जाएगी और जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों तक आपकी वीडियो पहुँच जाएगी और उन लोगों को आपका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।